हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम कार्तिक प्रताप सिंह है और मेरी जो स्कूलिंग है वो केंद्रीय विद्यालय सुंजवा से हुई है। जब भी मैं मीरा मैम के बारे में सोचता हूँ तो एक बड़ी अच्छी मैं एनालॉजी क्रिएट कर सकता हूँ। जब भी हमारी सुबह स्कूल में असेंबली होती थी तो असेंबली में एक सेशन आता था जब थॉट्स बोलनी होती थी सुबह आके स्टूडेंट्स ने, तो एक थॉट बहुत ज़्यादा बोली जाती थी वहाँ पर, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड बाई महात्मा गांधी। और एक और थी डॉक्टर राधा कृष्ण की, अ टीचर इज द बिल्डर ऑफ द नेशन। तो ये चीज़ें, इनकी अहमियत मेरे को तब समझ नहीं आती थी इतनी ज़्यादा, क्योंकि मेरे को लगता था कि ये असेंबली का एक पार्ट है। सुबह आके क्योंकि स्कूल के ऑर्डर्स हैं और वो बोलते हैं और उसके बाद ये ख़त्म। लेकिन इस चीज़ की रेलिवेंस ये स्कूल में क्यों होती थी ये मुझे अब समझ आती है, और वो समझ इन चीज़ की आना उसमें मीरा मैम की एक बहुत अहम भूमिका है। जब भी मैं मीरा मैम से इंटरेक्ट करता था तो मीरा मैम की बहुत ज़्यादा पोलाइट एटीट्यूड है। शी इज़ वेरी पोलाइट, शी इज़ वेरी पोलाइट, वेरी सप्लाइम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वेरी डिसेंट। जब भी मैं इनसे इंटरेक्ट करता था तो उनका एक सबसे होता था, बच्चे आपका क्या हाल है। ये चीज़ मेरे को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करती थी माइंड पे कि तब तो ठीक है, मेरे को लगता था हाँ शी इज़ वेरी पोलाइट, शी इज़ वेरी गुड टीचर। लेकिन अभी मैं उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ और अगर मैं किसी के साथ इंटरेक्ट करता हूँ तो मेरे को वो मीरा मैम की बात याद आती है। तो मेरे को लगता है कि महात्मा गांधी की जो थॉट थी, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, वो मीरा मैम उसको दर्शाते हैं। और ना केवल मीरा मैम दर्शाते हैं, मेरे को लगता है हजारों बच्चों जिनसे उन्होंने इंटरेक्ट किया होगा उस पर कुछ ना कुछ छाप जरूर छोड़ी होगी। दिस इज अपार्ट फ्रॉम हर एक्सलेंस इन टीचिंग। तो मेरे को लगता है कि मीरा मैम ने इस चीज़ में मेरे में बहुत ज़्यादा चेंज लाई है। दूसरी बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। शी यूज़ टू कोऑर्डिनेट वेरियस इवेंट्स इन द स्कूल, बी इट डिबेट, कॉम्पिटिशन्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। और इसमें ये चीज़ होती है कि एक तो है आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, दैट्स ओके, एक है कि आप में लीडरशिप है और आप उसको पॉजिटिवली बच्चों को इन्फ्यूज़ कर रहे हो एक ऐसी वैल्यूज़ के साथ जिसमें वो आगे जाके अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो और दे गिव देयर बेस्ट शॉट। तो मीरा मैम का इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा रोल है। तो मेरे को लगता है ये दो जो चीज़ें हैं, मीरा मैम ने मेरे पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका छोड़ा है, एंड आई वुड फॉर एवर एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू हर फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच।